नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं, यानी कि इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो कल यानी कि 23 तारीख को सभी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने वाले हैं और उस मीटिंग में ये फैसला होगा कि सीबीएसई का 12th का जो बोर्ड एग्जाम है वो कब होगा, या दूसरे स्टेट के जो बोर्ड एग्जाम है वो कब होंगे और कैसे होंगे या क्या होगा। अभी ये कहना तो मुश्किल है कि कब होगा या कैसे होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड कैंसिल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड की एक्सपेक्टेड डेट आ जाए, और साथ के साथ ये भी डिसीजन होगा कि जो ये बड़े बड़े एग्जाम है, जेई नीट है, आईआईटी है, या जितने भी एग्जाम हैं, ये सब एग्जाम कब कब हो सकते हैं, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये 10th का एग्जाम कैंसिल किया गया था तो बोला गया था कि 12th के लिए जो एग्जाम है, जब पोस्टपोन किए गए थे, उसकी जो रिव्यू है वो जून में होगी। तो एक जून आने वाला है, तो उसकी तैयारी ये सब चीज चल रही है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब आप ये जानना चाहते हो कि आप क्या चाहते हो बोर्ड एग्जाम के बारे में। देखिए, मैं ट्विटर पर भी जाऊंगा पोखरियाल जी के ट्विटर पर आप अपनी भी राय दे सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी हैं, उनका कहना है कि बच्चे या पेरेंट्स भी अपनी राय दे सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस बार का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो और जो नेक्स्ट सेशन है उसके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाए कि फरवरी और मार्च में बोर्ड एग्जाम खत्म ही हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना की जो स्पीड बढ़ती है हर साल, वो अप्रैल के करीब में बढ़ती है, उससे पहले हम अपना पूरा काम कर ले और हमारी पढ़ाई इस तरीके से जारी रहे, यानी कि हम अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए बच्चे, और कल का जो फैसला आएगा उसके लिए मैं आपको तुरंत वीडियो दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।